हेडलाइंस के बाद चलिए रुक करते हैं खबरों का। संसद का मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। कांग्रेस, टीएमसी, बसपा और अकाली दल के सांसदों ने महंगाई, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की। यहां तक कि ये सांसद सदन के बेल पहुंच गए। इस हंगामे के चलते पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के नए मंत्रियों का सदन में परिचय नहीं करा पाए। नए सदस्यों की शपथ के बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा सके। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आखिर में कार्यवाही को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी मोदी के भाषण शुरू करते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के चलते राज्यसभा 2 बार स्थगित करनी पड़ी और दोपहर 3:30 बजे इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारिक सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं।